आज हम लोग नोज़ एंड नेजल कैविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नोज़ और नेजल कैविटी क्या फंक्शन करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम फर्स्ट हम देखते हैं नोज़ एंड नेजल कैविटी, जो क्या है, फर्स्ट पासवे होता है जहाँ से क्या होती है एयर इंटरवेज, मतलब यहाँ से क्या होती है नोज़ एंड नेजल कैविटी से क्या करती है एयर फर्स्टली सब एंट्री कहाँ से करती है नोज से, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे पोजीशन एंड स्ट्रक्चर कि क्या इसकी पोजीशन होती है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। पोजीशन और स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या होता है कि जो नेजल कैविटी है उसमें क्या करता है, यहाँ से क्या होती है एयर एंट्री करती है। जो मेन रूट होता है क्या रेस्पिरेशन का क्या होता है नोज़ एंड नेजल कैविटी होते हैं, जहाँ से क्या होती है एयर इंटर करती है, देन इंटर करके क्या करती है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका लार्ज अमाउंट में क्या होती है डिवाइडेस हो जाती है टू पार्ट में। जो नोज़ को क्या है कि टू पार्ट में डिवाइड करता है, किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा। मतलब नोज़ क्या है एक फर्स्ट एंट्री प्लेस होता है जहाँ से एयर क्या होती है इंटर होती है कहाँ के अंदर, नोज़ के अंदर, और देन ये नोज़ को क्या किया टू पार्ट में डिवाइड किया, किसकी हेल्प से, सेप्टम की हेल्प से क्या किया नोज़ को टू कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूफ, तो जो इसकी नोज़ होती है नोज़ की जो रूफ को कौन फॉर्म करता है, तो जो एथेनॉइड एंड स्पेनॉइड बोन, तो जो एथेनॉइड एंड स्पेनॉइड एंड फ्रंटल ये बोन होती है, ये क्या करती है नोज़ के लिए क्या करती हैं एक रूफ फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं नेजल नोज़ एंड नेजल कैविटी के लिए क्या करती हैं रूफ, कौन कौन सी बोन कौन होती हैं, स्पेनॉइड एथेमॉइड एंड फ्रंटल एंड नेजल बोन, तो ये सारी बोन मिलकर क्या बनाती हैं इसके लिए रूफ फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोर कि नोज़ के लिए फ्लोर कौन कौन सी बोन फॉर्म करती हैं, मतलब नोज़ के लिए जो फ्लोर है उसे फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, तो जो फ्लोर है फ्लोर को कौन, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन, जो हमने स्केलेटल में पढ़ा ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम में पढ़ चुके हैं बोन्स के बारे में, तो जिसमें क्या होता है आपका जो मैग्जिला बोन है एंड पैलेटाइन बोन है वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं इसके लिए फ्लोर का हेल्प फ्लोर फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, कौन कौन सी, पैलेटाइन एंड मैग्जिला। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियल वॉल कि इसके लिए जो मीडियल की वॉल है उसे कौन फॉर्म करता है, कि जो सेप्टम मैंने भी बताया था कि नेजल नोज़ को क्या करता है टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन, सेप्टम, तो जो नेजल के लिए मिडिल वॉल्व होती है वो क्या होती है सेप्टम होती है, जो नोज़ को क्या करता है टू पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल वॉल, अभी मीडियल वॉल देगा तो मीडियल मतलब मिडिल में क्या होती है सेप्टम होता है जो कहीं ना कहीं नोज़ को टू कंपार्टमेंट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं नोज़ एंड नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल होती है लेटरल साइड में जो वॉल्स होती हैं उसे कौन फॉर्म करता है, तो जो लेटरल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प कौन करता है, मैग्जिला एंड एथेमॉइड एंड इन्फीरियर कॉन्चे, तो मैग्जिला एथेमॉइड एंड इन्फीरियर जो कॉन्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं नोज़ और नेजल कैविटी के लिए क्या करते हैं लेटरल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर कि जो पीछे की तरफ जो बॉल होती है उसे कौन फॉर्म करता है, तो जो पोस्टीरियर बॉल को फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन, तो हमने नोज़ फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोस लंग्स एल्वे इन सब के बारे में डिस्कस, तो जिसमें जो फेरिंग्स है तो फेरिंग्स क्या करता है नेजल या नोज़ के लिए पोस्टीरियर बॉल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी पार्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं जो नेजल कैविटी या नोज है उसकी वॉल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइनिंग ऑफ द नोज़ कि जो नोज़ की जो लाइनिंग होती है उसको कौन कवर करके रखता है, तो यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे वेरी वैस्कुलर सीलिएटेड कॉलुमरल एपिथेलियल सेल होती हैं, वेरी बहुत ज़्यादा वैस्कुलर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या करती हैं एयर को मूव करने में या कहीं ना कहीं जो डस्ट पार्टिकल को उसको इंटर होने से प्रिवेंट करती हैं। साथ ही साथ क्या करती हैं ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, क्या करती हैं म्यूकस को सीक्रेट करती हैं जो वहाँ पर क्या करता है मॉइस्चर बनाए रखने में, उस एरिया को क्या करने में मॉइस्चर बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे कभी हम ब्रीथ करते हैं ब्रीथिंग के टाइम में क्या होता है कभी कभी हमारी बॉडी एयर के साथ कुछ सम अमाउंट में डस्ट भी जाता है तो उसे वहीं पर होल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब जो डस्ट है जो भी हमारे अंदर जो डस्ट इंटर कर रहा है उसे वहीं पर जो म्यूकस है उसे क्या करता है वहीं पर स्टॉप कर देता है और अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करता है, मतलब कहीं ना कहीं एक क्या है एक बैरियर की तरह या कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ये क्या करती है म्यूकस जो लाइनिंग क्या सीक्रेट करती है
म्यूकस सीक्रेट करती है, जो क्या करता है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में का, और कहीं ना कहीं वो नोज़ को मॉइस्चराइजेशन फॉर्म करने में हेल्प करता है, मॉइस्चर फॉर्म करता है, साथ ही साथ किसी भी पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होने से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपनिंग कि क्या ओपनिंग होती है एंड नोज़ की, जो है नेजल कैविटी में, नोज़ की कहाँ ओपनिंग होती है, नेजल कैविटी में, द एंटीरियर नियर्स आर दी ओपनिंग फ्रॉम दी, तो कहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या होती है, एंटीरियर कहाँ पे होती है, आगे की तरफ ओपनिंग होती है नियर्स में, और पोस्टीरियर कहाँ पे होती है आपकी फेरिंग्स में, पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है नेसल कैविटी की वो कहाँ पर होती है फेरिंग्स पे, और एंटीरियर कहाँ पर ऊपर ओपनिंग होती है नियर्स, मतलब जो नोज़ के दो कंपार्टमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नियर्स बोलते हैं, नियर्स जो दो कंपार्टमेंट है, अगर सिंगली बोलेंगे तो नियर्स मतलब दो कंपार्टमेंट को क्या, नियर्स, तो आगे की तरफ कहाँ होती है नियर्स में, और पीछे की तरफ कहाँ पर ओपनिंग होती है इसका फेरिंग्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ नोज़ कि नोज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, या नोज़ क्या फंक्शन प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट ये क्या, रेस्पिरेशन में, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पासेज वे होता है जो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को क्या करता है, इंटर करने या गैस को इंटर करने में हेल्प करता है। द नोज इज़ द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पासेज विच इंस्पायर एयर एंड एक्सपायर, तो ये क्या करता है, फर्स्ट इंट्री प्लेस होता है जो एयर को क्या करता है, एक्सपायर और इंस्पायर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या करती हैं, ये क्या करती हैं आपका, कहीं ना कहीं फिल्टर एंड क्लियर क्लीनिंग एयर, तो जो एयर हमारे एंटर कर रही है उसे फिल्टर करने में और क्लीन करने में हेल्प करती हैं, क्या करती हैं, फिल्टर करने में और क्लीन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट ये क्या करती हैं, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई, मतलब एयर के संग क्या होता है, कुछ अमाउंट में कुछ कैसी रहती है, थोड़ा मॉइस्चर भी इंटर करता है, तो उस मॉइस्चर को इंटर करने से प्रिवेंट कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मॉइस्चर जाएगा तो कहीं ना कहीं लंग्स में क्या हो जाए, कुछ फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या करती है, कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर है उसे इंटर होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट टाइम है वार्मिंग्स, तो वार्मिंग मतलब इसे गर्म करना, कहीं ना कहीं उसे क्या करती है, हीट, जिससे कि जो एयर के साथ जो नमी जा रही है उसे वहाँ पर ही रोका जाए, अंदर एंट्री ना कर पाए, उसमें ये हेल्प करती है नोज़। तो नोज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, कि फर्स्ट इंट्री प्लेस होता है, फर्स्ट इंट्री प्लेस होता है एयर का, एंट्री करता है, वहीं से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू। नेक्स्ट क्या करती हैं, ये फिल्टर करती हैं एयर को एंड प्योरीफाई करती हैं। नेक्स्ट क्या करती हैं, ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब जो एयर है उसके अंदर से जो नमी है उसको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ क्या करती है, वार्मिंग, उसके अंदर गर्म हीट रखने में, जिससे कि अंदर जो भी एयर के साथ जो भी वाटर या जो भी मॉइस्चर जा रहा है उसे ख़त्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखिए इसका एक डायरेक्ट फंक्शन क्या है, जो नोज़ क्या करती है, सेंस ऑफ स्मेल, नोज़ का एक सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है, तो इसका जो सेंसरी ऑर्गन में केस क्या फंक्शन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेंस ऑफ स्मेल, जो भी हम कंटेंट होते हैं हमारे पास सराउंडिंग एरिया में उनके में जो स्मेल आती है, जो हम उसे स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, नोज़ की हेल्प से, नोज़ हमें क्या करती है उसके बारे में पता करने में हेल्प करती है, कि हाँ ये इसका स्मेल है, कैसा स्मेल है, कैसा नहीं है, उन सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो आज हम लोगों ने देखा नोज़ एंड नेजल कैविटी के बारे में कि क्या होती है, उसकी कौन कौन सी वॉल्स होती हैं, और उसकी इनर लाइनिंग क्या होती है, किस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, साथ ही साथ वो म्यूकस का सीक्रेट करती हैं जो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पर गीला या नमी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हेल्प करती हैं, साथ ही साथ हमने उसके फंक्शन भी देखे कि क्या फंक्शन रहते हैं, तो एयर को ये क्या करने में, फ़िल्टर करने में, प्यूरीफाई करने में, साथ ही साथ ह्यूमिडिफिकेशन में, साथ ही साथ वार्मिंग में, और एयर को क्या करती हैं, फर्स्ट इंट्री प्लेस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो आज हम लोगों ने नोज़ एंड नेजल कैविटी के बारे में डिस्कशन किया, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।